हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट रेसिपी, चिकन नगेट्स। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इस चिकन को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसका पानी पूरे तरीके से आपको ड्राई करके इसमें आपको फिर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून काली मिरी, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून सॉल्ट, नमक ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 2 टीस्पून मैदा और 2 टीस्पून हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल देना। एक अंडा डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये वैसे तो बहुत आसान सी रेसिपी है, बच्चे लोग के लिए, बड़ों के लिए, सब हमारे घर में भी इसे बहुत शौक से खाया जाता है। हम लोग ज़्यादा करके इसे स्नैक्स के लिए, रमज़ान में तो हमारे यहाँ हमेशा बनती ही रहता है ये रेसिपी, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। तो प्लीज़ इसी रेसिपी को बनाइए, मुझे कमेंट करके भी बताना कि कैसे आपको लगा ये रेसिपी। अब इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। अब दोनों हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। छोटा छोटा पीस लेना है क्योंकि हमें इसे नगेट्स का शेप देना है, तो इसीलिए पहले आप अच्छे से इसे राउंड कर लीजिए, चारों तरफ से इसे एक अच्छा सा शेप दे दीजिए नगेट्स जैसा। अभी हमने ब्रेड ग्राम्स ले लिया है। इस ब्रेड ग्राम्स में हमें इसे अच्छे से मिलाना है, अंदर अंदर से अच्छे से मिला के करना है। इसे थोड़ा दबा देना हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं, इस ताकि इसमें अच्छे से ब्रेड ग्राम्स लग जाए। बस इसी तरीके से आपको लगा लगा के साइड में रखते जाना है एक प्लेट में। देखिए दूसरा भी मैं ले रही हूँ। जैसे आपको शेप चाहिए आप वैसे तो आप ले सकते हो, बट नगेट्स का शेप तो ऐसे ही होता है। अच्छे से आप इसे कर दीजिए। देखिए एकदम फटाफट सी बन जाती है ये रेसिपी, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसे आप 1 मंथ के लिए, कितने भी टाइम के लिए आप इसे फ्रीज कर सकते हो। इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसमें एक कंटेनर में आप इसे रख सकते हो अच्छे से, फिर जब भी आपका मन करे आप इसे फ्रीज़र से निकाल कर आप इसे फ्राई कर सकते हो। देखिए हमारे सारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं, हमने इसी तरीके से सारे बना लिए हैं। अब चाहे तो ये पॉइंट में आप इसे कंटेनर में रख सकते हैं। अब हम इसे ऑयल गरम कर लेंगे अच्छे से। ऑयल गरम करने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको इसका गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना है, क्योंकि जो हमारी चिकन थी वो कच्ची थी, तो उसे हमें अच्छे से पकाना है स्लो फ्लेम पे। 5 मिनट के लिए कम से कम आपको इसको स्लो फ्लेम पे एक साइड से पकाना है, तब तक इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। जैसी कलर चेंज होता है आप इसे टर्न कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा हमारा कलर हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने स्लो फ्लेम पे ही इसे पकाया है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, इसमें अच्छे सा फ्लेवर आ जाए। देखिए आप कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का लग रहा है ये रेसिपी। देखिए झटपट से बन गया, बिल्कुल भी इसमें वक्त नहीं लगा, कुछ नहीं, बस आपको चिकन जो है वो बोनलेस ही लेनी होगा इसके लिए। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी यम्मी से बन गए हैं हमारे, रेडी हो गए हैं। आप इसे एक टिश्यू पेपर पे या कोई भी ऐसे कॉटन के पेपर में, आप क्लोथ में आप ले सकते हो, ये कपड़े में गर्मा गर्म आप इसे मायो सॉस के साथ और टमाटो सॉस के साथ आप इसे सर्व कीजिए। आपके घर वालों को, सबको बहुत ही पसंद आएगा, स्नैक्स में, डिनर में, कभी भी आप इसे खा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।